हमारे निशी सेंट कुजीन रांची के बहुत बड़े फूड ब्लॉगर कमाई कितना कर रहे हैं अच्छा अच्छा खाना मिलेगा गाइस यार ये तो बहुत मेरे से भी बड़े यूट्यूबर हैं नहीं बड़े झारखंड के फूड को आप आगे बढ़ा रहे हैं इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज संडे का दिन है और मैं यहाँ पे रेडी हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। मैं जा रही हूँ आज इस एक बहुत ही स्पेशल इवेंट में और ये मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है। तो रांची में हो रहा है यहाँ पे यूट्यूबर का बहुत बड़ा मीटअप, तो उसमें मुझे इन्विटेशन मिला और मैं जा रही हूँ। तो देखती हूँ वहाँ पर जाके कि क्या कैसा एक्सपीरियंस होता है, कितने यूट्यूबर्स आते हैं, कितने फॉलोअर्स आते हैं, क्या है। और लाइफ में मैंने कभी ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया था, आज फर्स्ट टाइम मौका मिला है। आसुंसु घर पे रहेंगे, मैं जा रही हूँ और ये मुझे छोड़ने जा रहे हैं, और जैसा हाँ जैसा रहेगा ये मुझे छोड़ के आ जाएंगे, चाहे साथ में आ जाऊँगी। आसुंसु का कल मैथ्स का पेपर है तो ज़्यादा मैं टाइम दे नहीं पाऊँगी, तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी आने का, और बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। तो सारा डिटेल चलिए वहाँ जा के दिखाती हूँ और बताती हूँ, अभी निकलते हैं। हैप्पी डॉटर्स डे, मैं भूल गई थी, अभी एकदम से याद आया। चलिए बाय बाय आसुंसु, अच्छे से रहना बेटा, हाँ बदमाशी नहीं करना। चलो पूछ रहे कैसा फील कर रही हूँ, थोड़ा सा नर्वसनेस है, पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, कैसा होगा, कौन कौन मिलेंगे, क्या होगा। हेलो नमस्ते, हाय, ठीक है। जब इंस्टा में फोटोज देखते हैं तो छोटा दिखता है, अभी सामने से बड़ा दिख रहा है। ये है हमारी नितीश कुजीन, रांची के बहुत फेमस ब्लॉगर। इनको मैं रांची अभी तुरंत आई हूँ, 2-3 महीना पहले। अच्छा। तो मैं जब सर्च कर रही थी कि यहाँ पे कहाँ क्या मिलता है, तो सबसे पहले सर्च में आपका चैनल आया और जब से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 2 दिन से फॉलो कर रहे हैं? 2 महीने। अच्छा, क्योंकि 2 महीने पहले मैं रांची आई हूँ। तो ये इनका आप चैनल सर्च करना, देखना, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं पूरे झारखण्ड। अभी हम लोग अंदर लेके चलते हैं पहले। तो ये है यहाँ का फिरायलाल बैंकेट हॉल, यहीं पे है इनका प्रोग्राम, मिल रहे हैं ऑर्गेनाइजर के लिए। हेलो, थैंक यू सो मच, सारे लोगों का स्वागत है। हाय हाय, अभी हम लोग सबके साथ फोटोज वीडियोस करेंगे। नमस्ते। तो यहाँ पे प्रोग्राम 4 बजे से स्टार्ट है, हम लोग 1 घंटा पहले आए हैं थोड़ा मिलने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए, देखने के लिए, फोटो वगैरह क्लिक करने के लिए, वीडियोज बनाने के लिए। तो अभी बहुत भीड़ आना बाकी है और अभी 3 ही बज रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा समय से पहले आ गए कि ट्रैफिक वगैरह रह गए, इसलिए तो देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। हाँ, नितीश एंड कुजीन का 200K सब्सक्राइबर पूरा होने की खुशी में ये इवेंट इन्होंने वो किया है, रखा है, और सारे यूट्यूबर्स को इनवाइट किया है रांची या फिर रांची से आसपास के यूट्यूबर को। तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम में क्या होने वाला है। सारे यूट्यूबर्स हैं और सबका कैमरा ऑन है, सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अजीब सा हो रहा है देख देख के, मैं क्या बोलूं, लग रहा है बस कैमरा ऑन कर दूं, बाकी सब जो बोल रहे हैं ना वो रिकॉर्ड हो जाए। बहुत खुशी के लिए जानने को मिलता है स्पेशली रांची के बारे में। थैंक यू सो मच। बहुत कम टाइम लगा रांची को जाने में, मतलब कहाँ क्या मिल रहा है और खाने को मौका मिल रहा है, जहाँ जहाँ दिख रहा है मतलब वो सब जगह में जाके और ट्राई करती हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा कि आप आए, एंड वेलकम है। अभी प्रोग्राम पूरा इंजॉय कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। थैंक यू। सबसे पहला गिफ्ट मिला है हमें ये नितीश एंड कुजीन की तरफ से, का मकसद यही है कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, नए लोगों को देखने का मिलेगा, जानने का मिलेगा, दोनों आपको तो हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल लाइफस्टाइल, मुझे खाना बनाने को बहुत शौक है और मैं अच्छा खाना, बिल्कुल बिल्कुल। पहले मेरे चैनल का नाम है बाबे का ब्लॉग। एक बार सारे लोग सेटल डाउन हो जाइए, 10 लाख 5 लाख पैसे वाले, अच्छा ठीक है, 50,000 से ऊपर किसी का सब्सक्राइबर है YouTube पे, 10,000 से ऊपर किसी का, अच्छा 10,000 से ऊपर वाले भी आइए, क्योंकि हम मुझे भी मैं अभी सीख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ सीख सकता हूँ, इसीलिए हम लोग बुला रहे हैं। चलिए आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुनीता मान है और मेरा एक चैनल सुनीता स्कॉर्नर, जिसमें 3,30,000 सब्सक्राइबर है, और एक चैनल है सुनीता लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग चैनल, जिसमें 35,000 सब्सक्राइबर है। 3 लाख कितना होता है? 3,30,000। क्या करती है, क्या दिखाती है? मेरा कुकिंग चैनल है सुनीता स्कॉर्नर मेन चैनल है, जिसमें झारखंड से रिलेटेड फूड्स में ज्यादा बनाती हूँ, जिसमें आपको छिलका रोटी,
खाना दिखाने से सब्सक्राइबर ज्यादा आते हैं क्या? ऐसा नहीं है। आप थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोग को मैसेज करते हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उनको यही सलाह देते हैं कि यूट्यूब चैनल खोलना है तो पढ़ाई से खोल लीजिए। आपका पढ़ाई भी नहीं छूटेगा और आपका यूट्यूब चैनल भी एक बढ़ेगा जो आप कर भी रहे। थंबनेल बनाने के लिए कोई एक हाथ उठाइए जो आपको लगता है कि क्या सही तरीका है। फोटो हो या दो फोटो हो, क्लियर हो, तब थंबनेल आपका अच्छा बनता है। ये बहुत अच्छा बात बोले। ये बोले हैं कि अगर आप एक वीडियो में लाल कलर से लिखे तो दूसरा दो दिन बाद जब वीडियो डालेगा तो उसमें भी रेड कलर ही होगा, ताकि लोगों को स्क्रॉल करके ही समझ में आ जाए कि ये आपका वीडियो आया है। नहीं तो एक दिन रेड से लिखे, दूसरे दिन व्हाइट से, तीसरा दिन येलो से, तो फिर वो मिक्स रहेगा। तो एक कलर चूज कीजिए। मेरे में हम अधिकतर येलो और ब्लैक यूज करते हैं, ठीक है। और थंबनेल को अच्छा बनाने के लिए कुछ टाइटल में भी होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए और टैग में भी होना चाहिए, तीनों में एक चीज। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ तो सीखने को मिल रहा होगा आप लोग जो डिस्कस कर रहे हैं। जिन पे ये हाथ रखेंगे उनको इनके साथ फाइट कोऑपरेट करना पड़ेगा।
ठीक है। चलिए आपके सामने खाली रोहा जज कर, ये गलत है, ये गलत है सर, ये गलत है। चलिए हाथ हाथ सेट कीजिए, आराम से जाइए, प्लीज अपने जगह से कोई गिरे के नहीं। हम लोग को सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये डेयरिंग वाला गेम में, क्योंकि इसमें कई तरह के गेम थे जिसमें लड़कों को लिपस्टिक लगाया जा रहा था, लड़कियों को दाढ़ी मूछ बनवाया जा रहा था, आंख पर पट्टी बंधा के प्रपोज किया जा रहा था सिलेक्ट करके, या फिर डांस किया जा रहा था। तो बहुत इंजॉय कर रहे थे हम लोग, बहुत मजे कर रहे थे। तो ये हमारी रांची की बहुत अच्छी ब्लॉगर हैं, कभी का सपोर्ट है आप लोग के साथ, कभी वैसा कुछ होगा तो बताइएगा, हम जरूर आप लोग को इस लाइन में गाइड करेंगे। बिल्कुल, इनके चैनल को आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये तो बहुत मेरे से भी बड़े यूट्यूबर हैं। नहीं, बड़े छोटे कुछ नहीं होते, मैं रांची में नहीं हूँ तो अपनी ग्रुप में मुझे ऐड कीजिए, मैं बिल्कुल बिल्कुल आप ऐड हैं हमारे, चाहती हूँ आप फूड बहुत वो करते हो तो मेरे यहाँ का भी आप चखे, मैं चाहती हूँ ऐसा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू, थैंक यू मुझे बुलाने, थैंक यू। आपका डांस बहुत अच्छा हम लोगों को लगा, क्या नाम है चैनल आपका? प्रियंका स्वामी ऑफिशियल। क्या डांस करती हैं, ब्लॉगिंग? मतलब अभी तो सिंगिंग वीडियो आया है, सिंगिंग भी करते हैं? हाँ, इंस्टाग्राम में मेरा मतलब मल्टी टैलेंटेड है, देखो हाइट कम है लेकिन टैलेंट भरपूर है, वीडियो आता है। बाहर का सीन कुछ इस तरह से है, सब पार्टी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत कुछ है स्नैक्स में। ये हमारे झारखंड के एक स्क्रैचर हैं, नाम नाम बता दीजिए। मेरा नाम राज है और आर्टिस्ट इन द पोर्ट्रेट मैन। अच्छा, इस नाम से चैनल है, ठीक है, तो अगला पोर्ट्रेट ये मेरा बनाने वाले हैं। अच्छा खाना मिलेगा गाइस, हाँ तो स्केच लेके आना और अच्छा खाना खा के जाना, ठीक है। हेलो मॉन्टी व्लॉग्स, मैं आपके वीडियोस देखी हूँ बहुत सारे, मनोज डसर से मिला दो बस, लेके आएंगे यहाँ पे। मैं ना मैसेज करती हूँ वो बिल्कुल रिप्लाई नहीं, कहाँ से देगा डेली 5000 मैसेज आता है उसके पास, मेरे पास खुद आता है। देखी हूँ और यहाँ तक हूँ उनके, मनोज डसर के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, इसलिए इनकी भी फैन हूँ। उनकी फैन है तब हमारी फैन, उनके थ्रू ही आपको कनेक्शन, उनके बहुत सारे वीडियोज मैं आपको देखी हूँ फिर आपको फॉलो की हूँ इस तरह से। तो मेरे चैनल के बारे में बोल दीजिए कुछ। बस आपका चैनल कुकिंग चैनल है, 3.5 लाख फॉलोअर है मेरे कुकिंग चैनल में, इंस्टाग्राम में कमाई कितना कर रहे हैं, कब खिला रही हम लोगों को, फिर भी खाना बना कर आप लोग रोज आओ तो रोज खिला सके, इतना कमा रहे हैं रोज, यानी कि डेली का मतलब आप 1000 रुपए कमा रहे हो ना। चलिए कुछ ऐसा ही, आपसे तो कम ही, आप तो बहुत बड़े हो भाई, तो आप भी तो एक टाइम में बड़े बनोगे ना, तो बस आप लोग जैसे लोगों को गाइस ये हमें खाना खिलाएंगे एक दिन, तभी मैं बताऊंगा कि इनका चैनल सब्सक्राइब करने के नहीं करते। अच्छा मैंने कहा जितने लोग भी हैं आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तभी तो इतना चैनल बड़ा होते जा रहा है, तो और थोड़ा सा बूस्ट अपने तरफ से करिए, अपने फॉलोअर्स को भी बोल दो। हाँ भाई, जो हमारे फॉलोअर जो खाने का शौकीन है वो जरूर इनको फॉलो करें, और व्लॉगिंग चैनल भी है, मैं व्लॉग खाना बनाते बनाते व्लॉग भी करती हूँ। अरे क्या बात है, सारा मल्टी टैलेंट आप ही लोग में है।
यहाँ पे सबसे मिल के बातें करके बहुत अच्छा लग रहा था। खाने पीने का तो बिल्कुल मौका ही नहीं मिल रहा था, लेकिन बहुत सारा कुछ था, स्नैक्स आइटम भी था, मेन कोर्स भी था। मेन कोर्स अभी शुरू नहीं हुआ था, अभी स्नैक्स चल रहा था, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, चाय कॉफ़ी, सब की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सब बहुत इंजॉय कर रहे थे, सभी कोई मिल के। सब चीज़ का ध्यान रखा गया, इधर चाय कॉफ़ी है, इधर पानी है और इधर कोल्ड ड्रिंक्स है, तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स में जा रहे हैं। फ्रेंड मिल गई है यहाँ पे जिनके साथ मैं इस पार्टी को इंजॉय कर रही हूँ। सारे ब्लॉगर एक दूसरे को अपना चैनल शेयर करते हुए के बारे में बता रहे हैं, सब जान पहचान बढ़ाते हुए इसी में ही बिजी है। यूट्यूब मीट एंड ग्रीट इसी के लिए होता ही है, बस सब उसी में बिजी है, मैं भी बिजी हूँ। बहुत सारे लोगों से मिली, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, कुल मिला के बहुत अच्छा लगा। हेलो जोहार, जोहार, कैसे हैं बताइए? सब बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। तो आपका ये फर्स्ट मीटअप रहा कि? मेरा पहला मीटअप है, मेरी लाइफ का पहला मीटअप जी। हम इससे पहले भी हम नीतीश भैया का मीटअप रांची में ही किए थे, तो उसमें भी हम ज्वाइन किए थे। वाला मेरा दूसरा मीटअप है, आपको तो एक्सपीरियंस होगा जी। तो मेरा पहला है और रांची में सबको मैं नया देख रही हूं। नीतीश जी के कारण आज हम लोग सबको मिल पा रहे हैं, सब लोग एक छत के नीचे हैं, जी छोटे जान पा रहे हैं, छोटे बड़े क्रिएटर सब साथ में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, क्रिएटर क्रिएटर जी, क्रिएटर क्रिएटर होता है जी। सब मेहनत कर रहे हैं अपने लेवल पे और सब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे और सबको जीरो सब्सक्राइबर चाहिए जरूर कर दीजिए। आपका ब्लॉग चैनल बता दीजिए, आप भी संगीता लाइफस्टाइल ब्लॉग, तो दीदी को भी जाके ब्लॉग अच्छा लगे तो जाके लाइक करें। जय श्री हम लोग को संगीता दीदी मिल चुकी है जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं। गई मैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला ऑटो वगैरह, तो फिर ये लेने के लिए हमको गए और लेके आए। आते में भी बहुत थक गई, मतलब 9 बज गए मुझे घर आने में, 9:15। आने के बाद फिर मैंने फटाफट पूड़ी बनाया, पनीर ऑर्डर की, नूडल्स ऑर्डर की, तो ये सब खाना खा रहे हैं। आटा रखा था फ्रिज में तो उसका रोटी नहीं बनता, इसलिए पूड़ी बनाना पड़ा। कैसा लगा आशु खाना? अच्छा, मैं तो वहाँ थोड़ा बहुत खा ली थी तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, मैं भी थोड़ा थोड़ा खाई, बस बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि ट्रैफिक, रांची का ट्रैफिक बहुत परेशान करता है कहीं भी आने जाने के लिए। थोड़ा सा डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, तो बस आज का ब्लॉग यहीं पर रखती हूँ। एक्साइटेड और जितना खुश थी ना, वो ट्रैफिक सारा मुझे खराब कर दिया, जब बहुत थक गई इसके कारण। वहाँ पर जितना नहीं था कि मैं रोड पर थक गई खड़े खड़े, क्योंकि इनको मेरे पास आने में भी टाइम लगा और फिर हमको लेके भी आने में टाइम लगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ अभी आने में। इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं, आशु अंशु को भी स्टोरी बताएंगे वहाँ का, बहुत मिस कर रहे थे। आशु अंशु का ध्यान दिमाग में चल रहा था, काश ये भी साथ में होते तो ज़्यादा मज़ा आता, ये सोच के। क्या किया तुम लोगों ने? आशु अंशु किंडर जॉय खाएंगे, ब्रेसलेट निकला उसमें, वाह ये देखो ब्रेसलेट पहनी है। पापा इनके लेट से आए तो ये किंडर जॉय साथ में लेके आए थे। किंडर जॉय बहुत सालों बाद खाई होगी ना, बचपन में बहुत खाता था ये लोग। भगवान सब्जी छोड़ दिया आशु ने, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। व्लॉग तो आपने पूरा देखा ही, आप बताना कि आप इसमें से किसको किसको जानते हो, क्योंकि ये सारे फेसेस मेरे लिए नए थे। रांची में आई हूँ अभी अभी और यहाँ के लोगों को फॉलो करूँगी तो फिर और ज़्यादा जानूँगी। और आज बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, बहुत कुछ जानने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, और काफ़ी लोग मुझे जान रहे थे, मेरे रेसिपीज़ को जान रहे थे। एक्चुअली फेस मेरा यही है, मैंने एक बहुत बड़ी बात सीखी है कि अपने, और जो कि मेरे हस्बैंड हमेशा से ही बोलते आए थे
कि अपने रेसिपीज में थोड़ा फेस अपना दिखाओ, शुरू में चाहे लास्ट में एक छोटा छोटा क्लिप ऐड करो। तो कई लोगों का कमेंट ये आ रहा था, मतलब जो मिल रहे थे ना, बोले आपकी रेसिपी मैं देखी हूँ, मतलब जो मेरे ट्रेडिशनल रेसिपी है ना, जैसे रुगड़ा, एक मिली की रुगड़ा की रेसिपी मैं आपका ही देख के बनाई थी, आपकी आवाज़ से लग रही है। तो आवाज़ से मुझे पहचान रहे थे, फेस से बहुत कम लोग पहचान पा रहे थे मुझे। हाँ, लाइव व्लॉगिंग चैनल उतना ज़्यादा वायरल नहीं है जितना मेरा वो ट्रेडिशनल फूड। तो झारखंड का ट्रेडिशनल फूड मेरा वायरल है मेरे चैनल पे, और वो यहीं के लोग देखेंगे, यहाँ का फूड है। तो मैक्सिमम लोग मेरा जो है ना रेसिपीज़ देख चुके थे, वो छिलका का रेसिपीज हो, चाहे रुगड़ा फुटका का हो, ढक्कन डब्बा वाला जो रोटी है, तो काफ़ी लोग बोल रहे थे। अच्छा लगा सबसे जान के कि चलो। और जिस फंक्शन में गई थी, जिनका चैनल नीतीश जी का, उनका खुद फूड ब्लॉगर है और झारखंड के फूड, झारखंड के जो ट्रेडिशनल, यहाँ की जो संस्कृति है उसको प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे, तो ये थोड़ा अच्छा लगा मुझे जान के कि मेरा भी चैनल उसी से रिलेटेड है। तो वैसे जगह पे जाके वैसे लोगों से मिल के, बड़े बड़े यूट्यूबर मिले, जैसे मॉन्टी ब्लॉग्स थे, तो उनसे भी मेरा पर्सनली बात हुआ, सबसे बहुत अच्छा लगा सबसे मुझे, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और पता चला कि यहाँ पे इवेंट होते रहते हैं, तो इन फ्यूचर फिर से मौका मिलेगा तो मैं फिर से ज़रूर जाऊँगी, अच्छा लगता है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।